कल लास्ट टाइम हम लोगों ने बात करी थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। समझ आ गया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं नाउन की, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला एलिमेंट है। ठीक है, नाउन देखिए सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, एकदम सिंपल। आपको किताबी ज्ञान देने वाला नहीं हूँ कि किताबों में कैसा लिखा है, आप बचपन में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, ऐसे पढ़े हो आप लोग। तो ये बच्चों को रटवाया जाता है ना, रटने वाली चीज़ें हैं। आपको मैं रटने वाली चीज़ें नहीं बताता हूँ, मैं बताता हूँ कि नाम क्या है। नाउन क्या है? नेम ऑफ एवरीथिंग, नेम ऑफ एवरीथिंग। आप सिंपली कह सकते हो कि हर एक चीज़ नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन, एवरीथिंग इज मतलब दुनिया में जो भी चीजें हैं। अब देखिए कैसे, पुराना वाला डेफिनेशन याद है ना, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। अब मुझे आप ये बताइए, इसके अलावा भी दुनिया में कुछ है क्या? पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल के अलावा भी कुछ दुनिया में है? नहीं है, मतलब टोटल मिलाकर सब कुछ तो हो ही गया ना। तो हम ये क्यों कहें कि पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, हम ऐसा क्यों नहीं डायरेक्ट कह देते हैं कि हर एक चीज नाउन है ना? तो हमने वही किया, हमने कहा कि हर एक चीज ही नाउन है। ठीक है, हम पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, हम कहेंगे कि हर एक चीज़ नाउन है। आप दुनिया में जो भी चीज़ सोचना चाहो सोच सकते हो, आपको हर वो चीज़ नाउन दिखेगी। ठीक है, और इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हर एक चीज़ नाउन है। जैसे एग्जाम्पल में आप कुछ भी सोच लीजिए, सोचिए, आपको ये बोर्ड दिख रहा है, ये बोर्ड, बोर्ड क्या है? एक थिंग का नाम है। इस ये जो चीज़ है, ये जिस पर मैं लिख रहा हूँ, उसका नाम है बोर्ड। ये क्या है? मार्कर, मार्कर। ये जो चीज है मेरे पास, इसका नाम है मार्कर। मैं क्या हूं? टीचर। तो ये जो मेरा प्रोफेशन है, प्रोफेशन है यानी पर्सन है, उसका एक प्रोफेशन का नाम है टीचर। ठीक है, या फिर मेरा नाम ले लो, तो ये मेरा नाम है, एक पर्सन का नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन है ना। तो इसी तरीके से हर एक चीज, जीव चाहे कुछ भी हो दुनिया में, हर एक चीज का नाम नाउन ही कहलाता है। ठीक है ना, अब समझना इसका यूज कैसे होता है, नाउन का यूज कैसे होता है। तो नाउन का यूज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरीके से होता है। या तो सब्जेक्ट में उसको यूज किया जाता है, या फिर ऑब्जेक्ट में यूज किया जाता है, या फिर दोनों में कर सकता है ना। सब्जेक्ट कौन होता है जी? डूअर। डूअर मतलब काम करने वाला। आपने हिंदी में कर्ता पढ़ा होगा, कर्ता पढ़ा है ना। तो डूअर क्या होता है? काम करने वाला यानी कर्ता। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर, मतलब जिस पर काम होता है। ठीक है, ये क्या है? कर्ता यानी काम करने वाला। और ये क्या है? रिसीवर यानी कर्म, जिस पर काम होता है, जिस पर कार्य का असर हो। समझ गए बात को? तो नाउन को दो तरीके से यूज किया जाता है, कहां कहां? सब्जेक्ट के तरीके से और ऑब्जेक्ट के तरीके से। सब्जेक्ट क्या है जी? डूअर है। डूअर कौन? जो काम कर रहा है, जो काम करता है, वो सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या है? रिसीवर है, जिस पर कार्य का फर्क पड़ता है। समझ गए? और प्रोनाउन, ये तो नाउन की बात हो गई। और आपको पहले से मैंने शायद बता भी रखा है कुछ लोगों को कि पहले से ही कि प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के बदले में आता है। जो नाउन के बदले में आता है वो प्रोनाउन होता है। इसीलिए नाउन जहां जहां यूज होता है वहां वहां प्रोनाउन भी यूज होता है। जहां जहां नाउन यूज होता है
वैसे वैसे प्रोनाउन भी यूज होता है। समझ गया ना बात को? ये नाउन और प्रोनाउन में सिमिलैरिटी है कि दोनों ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरीके से ही इस्तेमाल किए जाते हैं। समझ गया ना? क्लियर है इतना? चलिए चलते हम टाइप्स की तरफ कि नाउन के कितने टाइप्स होते हैं। देखिए नाउन के जनरली आप अगर पढ़ते हो तो 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है? नाउन के जनरली कितने टाइप्स होते हैं जी? 5 टाइप्स होते हैं। और उसके अलावा भी मैं कुछ टाइप्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपका ग्रामर मजबूत होगा, आर्टिकल्स में उनका यूज़ आता है, बहुत जगह यूज़ आता है, इसीलिए हम उस 5 के अलावा भी 1-2 और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। देखिए तो नाउन के 5 टाइप्स कौन कौन से होते हैं जी? प्रॉपर नाउन, नेक्स्ट कॉमन नाउन। मैं एक एक लाइन में आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा कि होता क्या है। हम किस लिए पढ़ रहे हैं? हम इंग्लिश को सीखने जानने के लिए पढ़ रहे हैं कि उसको बोला कैसे जाए, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, है ना? हम इंग्लिश को रटने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, पेपर में लिखने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अपनी नॉलेज के लिए, अपनी पावर के लिए, ठीक है? तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। दूसरा हो गया कॉमन नाउन, तीसरा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन, वेरी गुड, कलेक्टिव नाउन। फोर्थ क्या हो गया? मटेरियल नाउन, वेरी वेरी गुड, मटेरियल नाउन। एंड लास्ट, वेरी गुड, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 टाइप हमारे पास हैं, क्लियर? अब इन 5ों टाइप के बारे में हम समझते हैं कि हम किसे यानी किस नाउन को किस कैटेगरी में रखेंगे। 5 कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल है, हम 5ों कैटेगरी में ही पूरी दुनिया के चीजों को रखना है। नाउन क्या है? पूरी दुनिया की चीजें, उनके नाम। अब उन्हीं को हमें क्या करना है? सिर्फ 5 कैटेगरी आपके पास है, इसी 5 कैटेगरी में उन सभी को रखना है, है ना? तो हम क्या करते हैं, देखिए प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन में हर वो नाम आएगा जो कि खास तौर पे किसी एक के लिए रखा गया, ठीक है? ठीक ना? जैसे इस जगह का नाम, जगह यानी जहां हम लोग रह रहे हैं, जीरादी अगर कहें तो एक खास जगह है ना, खास जगह है। तो ये जो जीरादी जगह है ये एक खास जगह है, इसका नाम रखा गया, ठीक है? वरना तो डिफरेंट प्लेसेस हैं, सबको एक नाम से थोड़े बुलाते हैं, सबके अलग अलग नाम रखे गए हैं ना, तभी तो पहचान में आएगा जी हमें कहाँ जाना है, है कि नहीं? पता चले कि इसको भी सिवान कह दो, उसको भी सिवान कह दो, उसको भी सिवान कह दो, तो बोलेगा सिवान तो पहुँचाएगा वहाँ, यहाँ आना है पहुँच के कहीं और, ठीक है? तो इससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, इसीलिए सबका एक पर्टिकुलर नाम रख दिया गया है, सबका एक पर्टिकुलर नाम रख दिया गया है, और वही पर्टिकुलर नाम ही क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है, ठीक है? जैसे दिल्ली हो गया, अब मान लीजिए बिल्डिंग होने को तो ये भी बिल्डिंग है ना, और ताजमहल भी एक बिल्डिंग है कि नहीं? लेकिन ताजमहल का एक प्रॉपर नाम रखा गया है तो उसको ताजमहल कहते हैं, तो लोग समझ जाते हैं हाँ आगरा वाला ताजमहल, इस पर इतना बड़ा गुंबद है, खूब अच्छी कारीगरी करी गई है ना? तो ये क्या है, एक प्रॉपर नाम रखने के लिए, एक पार्टिकुलर नाम रखने की वजह से ही हम तुरंत पहचान जा रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन अगर बिल्डिंग कह दें तो कहें कौन सी बिल्डिंग, वो जिसमें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? ऐसा तो नहीं है ना? तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर नाउन का रोल दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा आपका नाम भी प्रॉपर नाउन है, क्यों? क्योंकि आप पवन कहेंगे तो पूरे दुनिया में सारे जितने लड़के हैं उनको तो हम संबोधित नहीं कर रहे हैं, एक खास लड़के का नाम है कि नहीं? तो पवन जिसका नाम होगा वो खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर हम कहें लड़का लड़का खड़े हो तो सब सोचने लग जाए कौन लड़का, भले हैं सभी लड़के लेकिन सोचेंगे कि किसको खड़ा करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं पवन बोलूँगा तो पवन सीधा खड़ा हो जाएगा, है कि नहीं बात? तो एक प्रॉपर नाम रखने से फ़ायदा हुआ ना जी,
तो पार्टिकुलर नाम रखने से ये प्रॉफिट होता है, और इसीलिए पार्टिकुलर नाउन, जितने भी पार्टिकुलर नाम हैं उन सभी को हम कहाँ रखते हैं, प्रॉपर नाउन में रखते हैं। जितने भी पार्टिकुलर नाम हैं उनको कहाँ रखते हैं, हम प्रॉपर नाउन में रखते हैं। ठीक है, ताजमहल एटसेट्रा। ठीक है, समझ गए। अब बारी किसकी है, कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन की बारी है। अब समझते ही कॉमन नाउन किसे कहते हैं, नाम से समझिएगा। कॉमन, कॉमन मतलब सबके लिए एक, कॉमन मतलब सबके लिए एक है ना। तो ऐसा नाउन या ऐसा नाम जिससे एक जाति के यानी एक कम्युनिटी के लोगों का एक ही साथ बोध हो जाए। जैसे अगर बोल दें बॉय, अगर मैंने बोल दिया बॉय, तो जितने भी बॉयज हैं सबको मैंने बोल दिया है ना, बॉय, उसको भी बोल सकता हूँ, उसको भी बोल सकता हूँ, उसको भी बोल सकता हूँ, है कि नहीं। बोल दो गर्ल, तो आपको भी बोल सकता हूँ, आपको भी बोल सकता हूँ, आपको भी बोल सकता हूँ, किसी को भी बोल सकता हूँ। जो जितने भी गर्ल्स हैं दुनिया में उन सब में से किसी को भी मैं गर्ल बोल सकता हूँ, है कि नहीं। उसके लिए अलग से नाम रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, है ना। तो वो नाउन जिससे एक पूरी कम्युनिटी के किसी भी सदस्य को आप इंडिकेट कर सकते हो, बुला सकते हो, तो वो नाउन क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। वेरी गुड। जैसे गाय है, तो जितनी गाय हैं सबको हम गाय ही कहते हैं ना। अब भले वो बात अलग है कि तुम किसी का नाम रानी रख दो, किसी का नाम स्वीटी रख दो, लोग रखते हैं अपनी खुशी से, प्यार करते हैं तो रख लेते हैं। तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, समझिएगा। लेकिन है तो वो गाय ही ना, तो हम गाय बुला देते हैं। जिसको नहीं पता नाम, वो कहता है आपकी गैया बड़ी मरखा है ना। तो गाय कहते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा नाम जिससे कोई भी उसे बिना पर्सनली जाने बुला सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। तो जैसे मैंने बोला बॉय हो गया, गर्ल हो गया, काऊ हो गया। तुम्हें गर्ल की जगह काऊ क्यों बोला तुमने, तुमने गर्ल की जगह काऊ क्यों बोला, हम समझ रहे हैं तुम क्या कहना चाहते हो। लायन, डॉग, एट्सेट्रा, बहुत सारे हैं। कितना गिनाओगे, इतनी सारी स्पीसीज है ना, इतनी सारी स्पीसीज हैं जीवों की कि गिनाते गिनाते थक जाओगे, लेकिन स्पीसीज का नाम खत्म नहीं होगा, इसीलिए इतने पे रहने दो। ठीक है, कलेक्टिव नाउन समझते हैं क्या है। कलेक्टिव नाउन क्या है, बड़े बड़े ध्यान समझिएगा। दो इन सभी में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, बस थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, और आप समझ जाओगे कि क्या फर्क है। देखिए, प्रॉपर नाउन में क्या था कि पर्टिकुलर नाम होना चाहिए। कॉमन नाउन में क्या था कि ऐसा नाम जिसे सभी को बुला सके, है ना। दोनों में फर्क हो गया, एक से हम सिर्फ एक ही को बुला सकते हैं और एक से हम सभी को बुला सकते हैं। अब कलेक्टिव नाउन क्या है ये समझना है। अब आप कहोगे कि एक से एक को बुलाना है और एक से सभी को बुलाना है, चलो ये तो क्लियर होगा। अब किसको बुलाना है, अब किसको बुलाना है, अरे एक पूरे समूह को अगर बुलाना हो तब, एक पूरे समूह को बुलाना हो तब कैसे बुलाओगे जी। जैसे क्लास एट्थ के बच्चे सब बैठे हैं, ठीक है, सपोज अब सब क्लास एट्थ के स्टूडेंट्स हैं, तो किसी पूरे क्लास को बुलाना है तो कैसे बुलाओगे, बोलोगे ना स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट्थ, बोलोगे नहीं बोलोगे, है ना, ऐसा तो नहीं स्टूडेंट्स कम आउट नहीं। अब मान लो कि एट्थ के बच्चे, सेवन्थ के बच्चे, सिक्स के बच्चे, अब ऑफिस में बुलाया जाएगा तो यही बोला जाएगा ना प्यून को कि एट्थ क्लास के स्टूडेंट को बुला के लाओ, ठीक है। तो नहीं तो ऐसे बोले स्टूडेंट्स को बुला के लाओ, तो पूरा स्कूलिया का स्टूडेंट्स बुला के रख देगा ऑफिस में, समझ गए ना बात को। तो इसीलिए हमें क्या ज़रूरत है, कलेक्टिव नाउन की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे अगर बोल दिया कि आर्मी को बुला के लाओ, तो पूरे देश की आर्मी आ गई। प्रधानमंत्री अगर बोल दें आर्मी को बुला के लाओ, तो सब बॉर्डर खाली करके पहुंचा देगा सब पीएमओ, ठीक है, ठीक। तो वो क्या क्या कहना क्या चाहिए उनको कि इस नंबर के रेजिमेंट को बुला के लाओ या इस बटालियन को बुला के लाओ, ठीक है।
तो आर्मी के उस बटालियन को खबर की जाएगी कि आपको यहाँ पर बुलाया जा रहा है, पीएमओ बुलाया जा रहा है, तो वो बटालियन आती है। जैसा इलेक्शन में है तो हर एक रेजिमेंट को अलग अलग ड्यूटी शॉप दी जाती है ना। अगर बोल दिया इलेक्शन में कि आर्मी जीरादेई पहुँचो, तो पूरी आर्मी जीरादेई पहुँच जाएगी, ठीक है। इसीलिए वो क्या बताते हैं कि एक लिस्ट जारी करते हैं, उसमें रेजिमेंट और बटालियन का नाम लिख देते हैं और कहते हैं ये नाम के इस रेजिमेंट से, इस बटालियन से लोग वहाँ पहुँच जाए। तो एक ग्रुप हो गया, वो यहाँ पहुँच गया, बटालियन ऑफ आर्मी, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें कलेक्टिव नाउन की ज़रूरत पड़ती है, समझ गया ना। यानी सिमिलर नाउन का अगर कलेक्शन करके एक जगह पर रख लिया जाए, क्या चीज़, सिमिलर नाउन का कलेक्शन करके एक जगह पर रख लिया जाए। सिमिलर नाउन मतलब एक ही जैसे नाउन, ऐसा नहीं गधा घोड़ा हाथी को एक साथ बैठा लो तो उसको क्या कहोगे, कुछ नहीं। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, सिमिलर नाउन का मतलब एक ही नाउन का, एक ही जैसे नाउन का आप जब कलेक्शन करते हो तो वो कलेक्शन क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। क्या कहा मैंने, सिमिलर नाउन का जब आप एक ही जगह पे कलेक्शन करते हो तो वो कलेक्शन क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। वेरी गुड। तो जैसे एग्जाम्पल में अंगूर खाते हो, अंगूर, अंगूर का पूरा गुच्छा होता है तो उसमें सिर्फ अंगूर ही होता है ना, कि संतरा लटके रहते कहीं कहीं, नहीं ना, तो अंगूर ही होते हैं सब जगह। तो जैसे देखिए ये गुच्छा होता है, अब हमको बनाने ज़्यादा आता नहीं है, हंसिएगा नहीं, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इतना अंगूर खा भी नहीं पाओगे तुम। जैसे ये अंगूर लटका हुआ है, ठीक है, खाना चाहो तो खा सकते हो आके, तो इतने सारे अंगूर हैं, ठीक, सिर्फ अंगूर ही है ना। अगर मान लो यहाँ पर सेब एक ठो बड़ा सा आ जाए, लटक जाए, ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो ये जो अंगूर का गुच्छा है इसको हम क्या कहेंगे, बंच ऑफ ग्रेप्स। अब देखिए बंच ऑफ ग्रेप्स में सिर्फ ग्रेप्स ही तो है ना जी, यानी ग्रेप्स का यानी सिमिलर नाउन का एक कलेक्शन हो गया और उसी को हम क्या कह रहे हैं, कलेक्टिव नाउन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कलेक्टिव नाउन। और इसका क्या नाम रखा हमने, बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर का गुच्छा, ठीक। इसी तरीके से सेम टू सेम घर में जो लेडीज होती है, जो मालकिन कहलाती हैं, उनके कमर में एक तो चाबी का गुच्छा रहता है जिसमें घर भर का चाबी उसमें इकट्ठा रहता है, ठीक है, उसका भी नाम रखा गया है बंच ऑफ कीज, ठीक है। उसमें सिर्फ चाबी ही रहता है, ऐसा नहीं कि दे दो ताला भी लटका के घूम लेंगे, नहीं, उसमें सिर्फ चाबी रहता है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, बंच ऑफ कीज कहते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं, प्राइड ऑफ लाइन, तो लाइन का प्राइड छोड़ो, उसको बाद शेर के पास नहीं जाएंगे, डर लगता है, मार के खा जाएगा, समझिएगा। अब बात करते हैं भेड़ की, देखते हो सब भेड़ चराने आते हैं, सब एकदम खूब ढेर सारे भेड़ रहते हैं, उसमें 50-100 ठो रहते हैं और उसको चराने के लिए आते हैं सब, जहाँ जाते हैं वहाँ एकदम कचरा कर देते हैं, है कि नहीं। और अगर वो लोग सुसु पॉटी कर दिया तो एकदम पूरा रोड का क्या, जहाँ पे भी रहते हैं वो सब बर्बाद हो जाता है, मतलब इतना गंदा लगता है ना। तो उनकी बात करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो खिसिया जाएंगे, घर के सामने ही आगे कर देंगे। तो देखिए जब भेड़ ढेर सारे हो जाते हैं, कलेक्शन में हो जाते हैं, यानी उनका अगर कलेक्टिव नाउन की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप्स, ठीक है। तो ये क्या हो गए, कलेक्टिव नाउन हो गए, क्या हो गए जी, कलेक्टिव नाउन हो गए। इतना क्लियर हुआ किसी को अभी तक में, कोई दिक्कत, प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में, कलेक्टिव नाउन में किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही, समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन की, मटेरियल नाम से ही आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें की बात करेगा, यानी ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग है, समझ गया ना, कैसी चीज़ें जी, ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग हैं, यानी अगर हम मटेरियल डाउन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा,
नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे हमारा टेबल, चेयर, बोर्ड, मार्कर, डस्टर, ऐसा तो नहीं ना मार्कर चलता है, हाथ पैर तो नहीं लगा इसको, है ना, सांस तो नहीं लेता ये। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन लिविंग थिंग्स जितने हैं वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, मटेरियल नाउन कहलाएंगे। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग में एयर भी आता है, वाटर भी आता है, कोल भी आता है, पेट्रोलियम भी आता है, हर एक चीज, जितनी भी चीजें आप देखते हो जिसका इस्तेमाल करते हो आप, वो सारी की सारी क्या होता हो जाती है, नॉन लिविंग थिंग्स यानी मटेरियल नाउन। बगैर मटेरियल नाउन के आप कुछ नहीं कर सकते हो। बता दो कुछ कर सकते हो, फूड भी मटेरियल नाउन है, खाइबे नहीं करोगे तो जिंदा कैसे रहोगे। ठीक है, तो मटेरियल नाउन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम इनको नहीं भूलेंगे। ठीक है, आप चाहे एयर लिख लो, सांसें नहीं लोगे तो मर जाओगे, वैसे तुम भी देखो अगर मटेरियल नाउन नहीं रहा तो तुम मटेरियल बन जाओगे। ठीक है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है एयर, वाटर। अरे तुमको चेयर से इतना लगाव क्यों है, नेता बनोगे जी, नेता बनना है, तब से चेयर चेयर पकड़े हुए हो। देखिए एयर, वाटर, आयरन, ठीक है, आप अरे सोना को कैसे भूल जाए, गोल्ड, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना लड़कियों, है ना, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मटेरियल नाउन में आती है। क्लियर हो गया, अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपकी हमारे भावनाओं से जुड़ी हुई है, ये ऐसी चीज है जो हमें मजबूत और कमजोर बनाती है अंदर से, है ना, कोई खुश रहता है, कोई दुखी रहता है, है ना, कोई गुस्से में रहता है, लोग रहते ना जी, अब मान लो हम तुमको बुलाएं इधर आओ और तुम आए, हम तो कान के नीचे लगा के दे दिए और कह जाओ, तुमको भी गुस्सा आएगा ना, कुछ कर भी नहीं किए मार दिए। ठीक है, तो क्या कि मेरे अंदर कुछ फील हुआ तो वो फील क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और तुमको अब मारे, तुमको भी कुछ फील हुआ वो भी क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ गए, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब समझ गए ना, फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस, यानी जो हम फील करते हैं या जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं वो क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये कोई चीज़ नहीं है जिसे पॉकेट से निकाल कर दे दो, यानी ना आप इसे छू सकते हो, ना आप इसे देख सकते हो, सिर्फ आप इसे महसूस और व्यक्त कर सकते हो, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है जी, फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशन। क्या है, फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशन, फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशन, वेरी गुड। मैं तब तक आपसे बुलवाऊंगा जब तक आपको याद नहीं हो जाता, घर के भरोसे मैं नहीं रखने वाला। ठीक है, क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग एंड एक्सप्रेशन, वेरी गुड। तो फीलिंग्स, जैसे आपकी फीलिंग्स बताइए, वाह क्या बात है, एक को दर्द हो रहा है, एक को प्यार हो रहा है, एक बोल रहा है पेन और एक बोल रहा है लव, आगे बताइए, सौरव, सौरव, एक को दुखों का पहाड़ टूट गया और एक बहुत ज्यादा खुश है, हाँ ठीक है, एटसेट्रा, अब बहुत ज्यादा फीलिंग हो गया, रहने दो। कह रहा है एटसेट्रा मतलब बहुत ज्यादा फीलिंग हो गया, रहने दो। तो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने समझ लिया कि फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस को क्या कहते हैं, फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और उसमें एग्जांपल के तौर पे हमने पढ़ लिया पेन, लव, सॉरो, हैप्पीनेस, ये सभी के सभी क्या होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, और इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह रहे हैं। इतना क्लियर हो गया जी, हम इनके बारे में और भी पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके इस्तेमाल के बारे में पढ़ेंगे, ये सभी के सभी, ये जितने हैं ना, ये मोस्टली इनका यूज़ इतना बढ़िया तरीके से है आपके ग्रामर में कि आप सोचोगे कि अरे वाह इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन तक तो हो गया, ठीक, अब हमारे पास 5 मिनट है, इसमें हम बाकी के जो दो बचे हुए हैं उसको भी हम पढ़ सकते हैं आराम से।
ठीक है, मैंने बोला था ना 30 मिनट्स फॉर द ग्रामर इज एनफ। अब देखिए आपके नाउन का ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, टाइप्स वाला पोर्शन आज, ठीक। उसके बाद से हम चलेंगे केस, जेंडर और नंबर ऑफ नाउन, ये सारी चीज़ें हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ये ख़त्म कर लें सिक्स्थ, ठीक है, इसको आप लोग नोट करेंगे मेरे लिख लेने के बाद, ठीक है। सिक्स देखिएगा, सिक्स को हम एक्स्ट्रा मानते हैं, इसलिए आपको हम ये लाइन से घेर दे रहे हैं कि आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सिक्स क्या है? काउंटेबल नाउन। क्या है जी? काउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, ऐसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहेंगे। एक दिन क्या हुआ, कृष्णा चला गया बाजार, उसके पापा बोले बेटा जो भी खरीदना गिन के खरीदना। उसकी मम्मी बोली कि बेटा जाओ बाजार से 1 किलो चीनी लेके आओ। ये गया तो आज, लेकिन पहुंचा 2 दिन बाद। घर वाले बोले कहाँ थे, तो बोला चीनी गिन रहे थे। तो देखिए अब चीनी तो रहा अनकाउंटेबल नाउन ना जी, अभी गिनने बैठ गए, इसीलिए 2 दिन बीत गया। तो इसीलिए जो चीजें गिनी जा सकती हैं उसी को गिने, तो वो क्या कहलाएगा? काउंटेबल नाउन कहलाएगा। जैसे कि ह्यूमंस हो गए, यानी बॉयज हो गए, गर्ल्स हो गए, तो ये सब क्या काउंटेबल है ना, मैं गिन के बता सकता हूँ आप लोग कितने लोग हैं। लेकिन मैं जिसे गिनने के लिए बोलूंगा आप नहीं गिन पाओगे, नहीं गिन सकते ना। बोले एक मुट्ठी धूल उठा के उसके कणों को गिन लो, ठीक है, या अपने अपने सिर के बालों को गिन लो। अब जो लोग बूढ़े हो जाते हैं वो अपने सिर के बाल को गिन सकते हैं, बात ऐसी नहीं है। लेकिन तुम नहीं गिन सकते, इस मतलब ज़्यादातर लोग तो हम ही लोग जैसे हैं ना, जिनके बाल इतने हैं कि कोई गिन नहीं सकता। तो इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। यानी काउंटेबल नाउन वो जिसको हम फिंगर्स पे भी गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन आर नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड, ओके। जैसे एग्जांपल में ले लो, कोई भी चीज ले लो, जैसे फ्रूट्स भी ले सकते हो आप, जैसे बनाना, अरे दर्जने से बिकता है यहाँ पे, है ना, एक दर्जन कितना होता है एक दर्जन में? अब लो गिन लिए ना, तो गिन लिए तो काउंटेबल नाउन हो गए, समझ गए। इसी तरीके से जितने भी नाउन होते हैं जिनको हम गिनते हैं वो क्या कहलाएंगे? काउंटेबल नाउन कहलाएंगे। और सेवेंथ है, यानी अगला है जो लास्ट है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है जी? ऐसा नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते, ऐसा नाउन जिसको हम नहीं गिन सकते उसे हम क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे हमारे सिर के बाल हो गए, जैसे वाटर हो गया, जैसे मिल्क हो गया, जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सारी चीजें क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। आजकल लोगों को शुगर ज्यादा हो रहा है, इसलिए शुगर का एग्जाम्पल पहले लेते हैं, ठीक है। फिर लोग नमकीन भी हो रहे हैं आजकल, खूब मौज मस्ती करते हैं, तो सॉल्ट भी लिख दिया, ठीक है। वाटर, शर्म से पानी पानी हो जाते हैं, बस करो, ठीक है। शुगर, सॉल्ट, वाटर, ये सब क्या है जी? अनकाउंटेबल नाउन। इसके अलावा भी कॉन्क्रीट नाउन, लिक्विड नाउन, ये सब कुछ होता है, लेकिन उसको पढ़ने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। आपको बस क्या इसका इस्तेमाल सीखना है, इसके टाइप जान गए आप, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और समझ तो चुके ही हैं आप लोग, है ना, तो समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके करिए।